अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने प्यारे दोस्तों? ठीक हो, खैरियत है? 28% समंदर दी लहरां दी नज़र हो गए ने। तो ये अफसोसनाक खबर लीबिया तो इटली जाते हुए तारकीन वतन या डंकी लाने वाले या रेफ्यूजी जो कह लो उन्हां नाल वाकया पेश आया। दसाया जाता है कि एक चट्टान दे नाल समंदर दे विच एक चट्टान नाल कश्ती टकराण नाल कश्ती उलट गई है। तो 28 बंदे जिन्हें 28 पाकिस्तानी ने, वैसे 60 बंदा की मौत की इतला है, लेकिन उस कश्ती 120 बंदे सवार सन। वो मुख्तलिफ नैशनैलिटियां लोग सन, जिमें पाकिस्तानी सन, बंगाली सन, अफगानी सन, सोमाली सन। लेकिन अपन जिंदगी नाल खेडण तो पहले सोच लो तुहाडिया फैमिलिया ने, कारोबार ने, क्योंकि जिहड़ी यूरोपी यूनियन है उन्होंने एक ला चेंज किया। पहले सिस्टम यह सी कि लोग डंकी ला के पहुँच जाते सन, लेकिन हुण बिल्कुल यकतरफा सिस्टम चेंज हो गया। उन्होंने आपस में बह के इतफाक किया, इतिहाद किया कि जी असी इन्ने रेफ्यूजी नूं, इन्ने तारकीन वतन असी नहीं संभाल सकते, लिहाजा इन्हों बार्डर ते डकिया जाए। तुसीं खुद वेख सकते हो उस वीडियो दे विच, जिहड़ी वीडियो थले चल रही है, इहदे विच एक पावरफुल लहर आउंदी है जिहदे विच कश्ती डुब जाती है। एक बंदा वीडियो भी बना रहा है, ये वीडियो कोई होर नहीं, वो खुद बना रहे ने, और इसलिए बना रहे हैं कि ताकि लोग खौफजदा हो, दोबारा इस तरह का इकदम ना करन। लीगल तरीके नाल भी उन्होंने वर्क परमिट दे रहे हैं, अगर तुम जाना भी चाहते हो तो लीगल तरीके नाल जाओ, क्योंकि अपनी फैमिलिया बारे सोचो। दुआवां याद रखो, अल्लाह हाफिज़।